Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ मुंडी और जबान का सालन। यहाँ पे देखिए, मैंने मुंडी ले ली है और एक जबान है इसके अंदर, बकरे की जबान है और बकरे की मुंडी है इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक बड़ा साइज का प्याज ले लूंगी। देखिए, बड़ा साइज का प्याज है जिसको मैंने स्लाइसली चॉप किया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी यहाँ पर नमक। नमक डालेंगे जिससे ये जो मुंडी की स्मेल होती है, जो चिकनापन होता है मुंडी के अंदर, वो नहीं रहेगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसे मैं अच्छे से एक बार मिक्स करूँगी और इसको पानी से अच्छे से धो लूँगी। तो इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल एक प्रेशर कुकर में डाला है, और यहाँ पर जो मैंने ये देखिए धोया था जबान और मुंडी बकरे की, वो मैं इसमें डाल दूंगी। मैं अभी इसमें यूज़ कर रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट आप डाल दीजिएगा, मैं अपने हिसाब से सॉल्ट डाल रही हूँ। और फिर इसके बाद में आप इसमें हल्दी डाल दीजिए 1/2 टीस्पून। हल्दी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए, तेज़ खाते हो तो थोड़ा और डाल दीजिए, कम खाते हो तो इससे थोड़ा कम कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अब इसके बाद में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अभी मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करने वाली हूँ। पानी ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको विजल लगा देंगे। 4 विजल लेंगे, 4 विजल लेंगे मतलब 4 सीटी लेंगे हम कुकर की। कुकर का जो बंद कर देंगे, लीड बंद कर देंगे और इसको 4 विजल लेंगे। बकरे का है तो बहुत जल्दी से कुक हो जाएगा। फिर उसके आगे का आपको स्टेप बताती हूँ। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका मैं लीड बंद कर देती हूँ और इसको 4 विजल होने के बाद, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 4 विजल, ये देखिए 4 मैंने कुकर की सीटी ले ली है और ये जो मुंडी और जबान है बकरे के, वो अच्छे से गल गए हैं। तो अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा कोथमीर और थोड़ा सा पुदीना और इसमें मैं ग्रीन चिली डालने वाली हूँ, हरी मिर्च 4 मैंने हरी मिर्च डाली है। और ये है गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून डाला हुआ है, और या तो फिर मैंने गरम मसाला डाला है, आप चाहो तो इलायची और साजीरा और उसके अंदर सिनेमन स्टिक मतलब कि दालचीनी का टुकड़ा, इन 3 चीज़ों को भी पीस के 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैंने गरम मसाला इसमें डाला हुआ है। और अभी हमें इतना इसे अच्छे से कुक करना है कि ऑयल जो है वो हमें ऊपर दिखने लगे, तो इसका पानी हमें सुखाना है। तो मैं इसे अच्छे से अभी कुक करूँगी और इसका पानी जो है इसको सुखा लूँगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर से देखिए पूरा ऑयल आने लगा है, इट मीन्स कि ग्रेवी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अभी मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको आप नान के साथ में, रोटी के साथ में, पाव के साथ में खा सकते हो ये ग्रेवी को आप।